मध्य प्रदेश में घूस लेने का काम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वही पकड़ने वाला जवाबदार विभाग आए दिन पकड़ने का काम करने से भी नहीं रुकता है। ऐसा ही प्रदेश की राजधानी भोपाल के लोकायुक्त विंग ने व जबलपुर लोकायुक्त विंग ने एक दिन में दो स्थानों पर घुसखोर अधिकारियों को पकड़ने में सफलता हासिल करते हुए भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम की धारा में प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए कार्यवाही की है। प्रथम कार्यवाही भोपाल लोकायुक्त ने इटारसी के वन विभाग के रेंजर व डिप्टी रेंजर को महज 5,000 व 12,000 रूपए घुस लेते हुए धर दबोचा है। काटने के लिए विधिवत मुझे तहसील एवं ग्राम पंचायत से परमिशन मिल चुकी थी, लेकिन वन विभाग की तो उसमें छोटी प्रक्रिया होती है कि एक टीपी और हैमर शुल्क जहाँ जमा करना पड़ता है बहुत नॉमिनल रहता है, लेकिन उसके एवज में ये मुझसे बड़ी रकम मांग रहे थे 19,000 के समथिंग। तो बोले उसमें ये रघुवंशी जी, बहुत सॉरी नागवंशी जी है यहाँ के जो डिप्टी रेंजर जी, तो उन्होंने कहा है कि 5,000 मैं लूँगा, 5,000 रेंजर साहब को दूंगा और 2,000 रुपये वनपाल को दूंगा। इस तरह से 12,000 रुपये मुझे आज चाहिए और SDO साहब जब खेत में जाएंगे उनको वहीं पर पैसा देना आप, अब वो जितने ले लें बोले, तो लगभग बोले 8-9 हज़ार रुपये वो भी लेंगे, तो ये रकम आपको वहाँ देना है, लेकिन वो रकम आप उन्हीं को देना, हमको ये रकम आज चाहिए। तो मैंने कहा साहब बड़ी रकम है, एक छोटा काम है कोई इतना, और मैं सर पेशे से मैं भी अधिवक्ता हूँ सर, मैं इनका कृषि कार्य भी करता हूँ, तो कम से कम मुझे इतनी राहत तो मिलनी चाहिए। तो नहीं बोले ये सिस्टम है सर, यहाँ किसी का कुछ नहीं, ये सबको हम सबसे लेते हैं बोले। तो ये सर इनकी बातों से छुप धोकर मैंने इनकी शिकायत लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में की कल सर 3/4/2024 को, और उन्होंने तत्काल संज्ञान में लिया SP साहब ने, और आज इस पर कार्रवाई हुई है। सर कितने रुपए दिए हुए थे आज आप? सर आज इन्होंने बजरंग चाय पुरानी इटारसी में रेंजर साहब ने मुझे बुलाया, डिप्टी रेंजर साहब ने बोले 12,000 रुपये मुझे आप यहाँ दे जाओ, तो मैं वहीं दिया और उनको टीम ने गिरफ्तार कर लिया सर। और इनके बाद रेंजर साहब पे भी कार्रवाई? हाँ, रेंजर साहब को इन्होंने फिर बोला, फॉरेस्ट ऑफिस चल गए, बोले रेंजर साहब को 5,000 रुपये मैं वहाँ दूंगा बोले जी जी, तो रेंजर साहब को यहाँ फॉरेस्ट ऑफिस में जी पर एक कार्रवाई की गई है। क्या कार्रवाई की गई और कौन सी टीम आई हुई है आपकी? मैं लोकायुक्त भोपाल से हूँ, इंस्पेक्टर रजनी तिवारी, आप मेरे साथ में इंस्पेक्टर घनश्याम मसकोले और ये अमित जी हमारे ड्राइवर हैं, पीछे हेमेंद्र जी, मुकेश पटेल। और कार्रवाई इस प्रकार है कि ये हमारे फरियादी आवेदक लोकेंद्र सिंह जी, लोकेंद्र कुमार पटेल, और ये ही इटारसी क्षेत्र के रहने वाले, और इनकी ग्राम दमदम में लगभग 35 बीघा पारिवारिक कृषि भूमि है। शिकायत इस तरीके की है कि इनका जो हिस्सा है, जो रकबे इनके हैं, उसमें एक मेड़ पर 7 सागवान के पेड़ लगे हुए थे, और ये जो अभी पिछले दिन में आंधी पानी आई है तो वो पेड़ गिर गए, तो इन्होंने 28 फरवरी को ग्राम पंचायत दमदम से उन पेड़ों को काटने की वैधानिक परमिशन प्राप्त कर ली थी। उसके बाद उन पेड़ों को अपने घर तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनको वन विभाग से TP की ज़रूरत थी, TP और हैमर वाला जो प्रोसेस होता है उसकी। जब इन्होंने आवेदन वन परिषद कार्यालय इटारसी में जमा किया है तो डिप्टी रेंजर नागवंशी जी हैं, राजेंद्र कुमार नागवंशी, ये लगातार इनको प्रेशराइज कर रहे थे कि आप मेरे लिए 5,000, मेरे अधिकारियों के लिए 5,000, किसी वनपाल के नाम से 2,000, ऐसे लगातार इनको फोन कर करके पैसों की मांग कर रहे थे। काफ़ी दिन तक इनकी जब TP जारी नहीं हुई और पैसों के लिए नागवंशी जी बराबर दबाव बनाते रहे, तो अंत में इन्होंने परेशान होकर के SP श्री हमारे जो भोपाल में मनु व्यास साहब, इनको शिकायत की। चूँकि काफ़ी परेशान थे तो सर ने भी तत्काल टीम का गठन किया, इसका सत्यापन कराया गया, तो सत्यापन में ये बात क्लियर हो गई थी कि इनसे जो नागवंशी जी हैं लोकेंद्र जी से पैसे मांग रहे हैं, लेकिन वो पैसा अभी जो सत्यापन हुआ था उसमें अपने खुद के लिए 5,000 रुपये और रेंजर के लिए 5,000 रुपये, रेंजर श्याम जैन के लिए 5,000 रुपये और एक वनपाल है उसके लिए 2,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। इस जब सत्यापन हो गया तो इसके बाद फिर आज योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की गई, जिसमें डिप्टी रेंजर ने एक बजरंग पान करके जगह, पान पैलेस करके जगह, वहाँ पे इनसे 12,000 रुपये रिश्वत की राशि ग्रहण की। और उसके बाद आरोपी से जब पूछताछ की तो उसने ये बात बताई कि हाँ मैं अकेले नहीं ले रहा था ये पैसे, सिस्टम में सबको पैसा देना पड़ता है, रेंजर को भी 5,000 देना होगा। तो रेंजर को कॉल लगवाया, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं घर पे हूँ, यहीं आ जाओ पैसे देने के लिए, और फिर रेंजर साहब को भी इसका पैसा 5,000 रुपये जो उनके हिस्से का था उनको दिलवाया गया, उन्होंने जैसे ग्रहण किया वैसे लोकल की टीम ने पकड़ लिया। आरोपी किस किस को बनाया गया? श्यांश जैन और ये नागवंशी, रेंजर और डिप्टी रेंजर। 12,000 रुपये की एक ही किस्त मांगी थी कि और भी मांगे थे पैसे? पैसे शुरुआत में तो 19,000 की शिकायत आई थी कि सारे अधिकार, किसी को 5,000, किसी को 2,000, किसी को 7,000, ऐसे 19,000।
पर हमारे प्रोसेस में है कि जिस चीज का वेरिफिकेशन होगा हम उस चीज पर आगे प्रोसीड करेंगे। तो वेरिफिकेशन में 12,000 रुपए टोटल 12,000 ही दिए। तो कौन कौन पकड़ाया है? दोनों ही। वही दूसरी बड़ी कार्रवाई जबलपुर लोकायुक्त विंग ने एसटीएफ विभाग के सहायक उप निरीक्षक निसार अली अधिकारी को 1,00,000 रुपए लेने के लिए धर दबोचा है। लोकायुक्त से मिली जानकारी के अनुसार इटारसी में वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा आवेदक लोकेंद्र सिंह से दबाव बनाकर रिश्वत की मांग की जा रही थी। वही जबलपुर में भी आवेदक मोहम्मद जावेद से शिकायत के निराकरण को लेकर रिश्वत की मांग की जा रही थी। इसी को लेकर दोनों जगह पर लोकायुक्त विभाग के द्वारा कार्यवाही करते हुए कार्यवाही की गई और वही दोनों को धर दबोचा है। और क्या आपको से रिश्वत की ऐसे मांगी थी? क्या भैया, हमारा प्रॉपर्टी का बेचा खरीदी करवाते हैं, हम दलाली करते हैं प्रॉपर्टी की। इसी संबंध में हम एक तो छोटा सा लोन भी लिए थे, हमारा बैंक से लोन चल रहा था, जिस लोन को हमने पटा चुके, मतलब बैंक ने प्रॉपर्टी हमारी नीलाम कर चुकी थी, उसमें बैंक ने बैंक का पैसा पूरा ले लिया अपना। उसी पेपर को निकाल के ये बोले किसी का आवेदन आया हुआ है उसमें जांच के लिए, तो इसलिए ये हमको परेशान करना चालू कर दिए कि इसमें जांच आई है, इसमें अगर निपटाना हो तो पैसा लगेगा इसमें। तो हमने भाई ने इतना पैसा है नहीं हमारे पास जितना आप मांग रहे हैं, तो बोले नहीं अभी हमको आप पैसा तो देना ही पड़ेगा जब हम कुछ बात करवाएंगे। तो 1,00,000 रुपये के लिए इसका फ़ोन आता रहा हमारे पास, तो 1,00,000 रुपये मैंने इनको दिया था अधिकारियों से मिलके। ये शिकायत कब की थी? ये शिकायत हमारे पास फोन इनका आया था एक माह पहले, और शिकायत जो थी हमने जो शिकायत की है वो एक हफ्ता भर हुआ। तो कितनी की मांग कर रहे थे और कितनी अभी? 1,00,000 रुपए इन्हें अभी हमसे फिलहाल के लिए मांगे थे कि 1,00,000 रुपए दो, उसके बाद हम बात करेंगे बाद में। तो 1,00,000 रुपए हम दिए अभी। आप कहाँ रहते हैं? गोहलपुर। प्रॉपर्टी कहाँ थी? इस प्रॉपर्टी के गोहलीपुर में थी वो प्रॉपर्टी। आपका नाम बताइए? मोहम्मद जावेद। ठीक, बताइए क्या कार्रवाई हुई, किस तरीके से कार्रवाई हुई? दिनांक 27/3/2024 को मिलोनीगंज निवासी मोहम्मद जावेद उर्फ गौस बाबू ने लिखित शिकायत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसकी एक आवेदन जांच चल रही है एसटीएफ में, इकाई जबलपुर में, और उक्त आवेदन जांच बैंक से संबंधित कुछ फ्रॉड का मामला है। उसमें जो एसटीएफ इकाई जबलपुर में पदस्थ निसार अली एएसआई है, प्रार्थी को डरा धमका कर उससे 1,00,000 रुपए की मांग कर रहा है। आवेदन को संज्ञान में लेते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम गठित की गई और उक्त तारतम्य में आज दमोह नाका पेट्रोल पंप के बाजू में सहायक उप निरीक्षक निसार अली को 1,00,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। कितनी मांग की गई थी? 1,00,000 रुपए की डिमांड थी, पूरी राशि लेते हुए पकड़ा गया। कहाँ से गिरफ्तारी? दमोह नाका पेट्रोल पंप के बाजू में। इनको जो आवेदक हैं वो कहाँ के रहने वाले? आवेदक यही जबलपुर के निवासी हैं और उनका पता है मिलोनीगंज। क्या करते हैं आवेदक? आवेदक का जमीन का काम है, जमीन खरीद फरोख्त का काम है। ठीक,